महाराष्ट्र के जामनेर तहसील के गोंद्री गांव में चल रहे अखिल भारतीय हिंदू गौर बंजारा लवार नायकड़ा कुंभ में 5 राज्य के हिंदू गौर बंजारा लवार नायकड़ा समाज लाखों की संख्या में यहां पर आ रहे हैं। इस जन समाज को संबोधित करने के लिए देश भर से साधु संत भी यहां पर आ रहे हैं। इस कुंभ में महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज और रामकथा वाचक मुरारी बापू उपस्थित थे। इस कुंभ को महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी ने संबोधित करते हुए कहा कि जातियां अनेक हैं, लेकिन धर्म एक ही है। सनातन हिंदू धर्म की सारी विशेषताएं धर्म में है, जाति में नहीं। इस्लाम 1400 साल पहले आया, ईसाई धर्म 2000 साल पहले आया, लेकिन ये दोनों सनातन धर्म नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी। जाति में पकड़कर हम धर्म का बोध भूल जाते हैं। हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष किया। भारत में ईसाई धर्म हो रहा है, गांवों में चर्च बन रहे हैं। अगर सावधान नहीं हुए तो ईसाई एक ही करके खा जाएंगे। इसीलिए हमें गीता का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। उनमें सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का भाव जगाने के लिए ये कुंभ का आयोजन किया गया। ऐसे तो ये गौर बंजारा समुदाय ये सनातन समाज का सनातन अनादि काल से अंग रहा है, और इनका जो इतिहास है, पौराणिक इतिहास, भगवान शंकर जी से, भगवान राम से इनका आरंभ है। और ये लोग अपना वशिष्ठ गोत्र बताते हैं, अपने आप को रघुवंशी भी मानते हैं। तो इनकी जो कुल परंपराएं और विचारधाराएं हैं वो कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है। इनके देवी देवताएं ये सारे हिंदू हैं, और इनके अंदर एक हिंदुत्व की उमंग है, और इनका स्वभाव बड़ा क्षत्रिय स्वभाव है, और इनके अंदर वीरता है, साहस है, तेज है, दानवीरता है, बहुत सारे गुण इस समुदाय में हैं। तो इस समुदाय के बीच में आके मैंने एक चीज़ देखी, इस समुदाय में बहुत श्रद्धा आस्था है, अनुशासन है, और ये बड़े ही सत्यप्रिय लोग हैं। तो हम आशा करते हैं साधु महात्मा लोग कि ये समुदाय अपने आप को एक सनातनी हिंदू के रूप में अपने आप को सजग करेगा, और जो इस समुदाय के ऊपर ईसाई चर्च की दृष्टि है, ये लोग चाहते हैं कि ये सारा समुदाय ईसाई धर्म में बदल जाए, और वो बहुत ही घिनौने दृष्टि से और वो छिप कर के छद्म वेश में धीरे धीरे इनको ईसाई बना रहे हैं। तो ये समुदाय भी अब जागृत हो गया है, साधु महात्माओं को भी मालूम पड़ गया है, यहाँ के लोगों को भी मालूम पड़ गया है कि ईसाई लोग किस प्रकार तांडों में, उनके गाँव में, घरों में जाके धीरे धीरे ईसाईकरण कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि धर्मांतरण एक राष्ट्रांतरण है, और जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जिस दिन भारत में पहला मुसलमान बना हिंदू, उसी दिन पाकिस्तान की नींव पड़ गई थी। तो वो बात जिन्ना समझ गया, लेकिन हम हिंदू नहीं समझ पाए। तो आज भी यदि हम धीरे धीरे ये सारे हमारी जातीय लोग ईसाई बनते हैं तो हमारे धर्म और हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए आज हम सभी हिंदू समुदायों से, इन विभिन्न जातियों से आह्वान करते हैं कि आप अपने आसपास सजग रहिए, और ये जो धर्मांतरण करने वाले लोग हैं अपने आसपास आए तो उनको अच्छी प्रकार से उनको समझाए, और यदि वो नहीं समझते हैं तो हमारे यहाँ दंड का भी विधान है, और हमारे यहाँ लिखा है कि आप दूसरे का शाठ्य, मूर्खता या हमको नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं उनको प्रतिकार करने के लिए आप थोड़ा ताड़न का आश्रय लेते हैं, तो शास्त्र सम्मत है। हम आशा करते हैं ईसाई समुदाय समझ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी सरस न्यूज, जामनेर, महाराष्ट्र।